पापा हम लोग फोन आ जल्दी कर करो देखो यार एकदम नहीं कर किस्मत किस्मत देखिए भाई साहब अरे हो जाएगा अमन हो जाएगा यस यस देखिए जब बंद ही कर रहा था ये यहाँ माता सती जी का अंगूठा गिरा था इसीलिए ये शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है नगर भगवती उग्रतारा माता के नाम से। हे एवरीवन गुड मॉर्निंग राधे राधे जय श्री कृष्णा और कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मैं अभी फिलहाल कल ही मैं पटना से आ गई हूँ परसों का गाड़ी था और कल मैं आ गई अपने घर और अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नगर भगवती नगर मंदिर और फिर चलिए चलते हैं देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। देखिए मम्मी यहाँ क्या कर रही हैं मम्मी यहाँ पूजा कर रही है और फूल वहाँ चढ़ाना है ये फूल हमको लेना है वहाँ नगर मंदिर में चढ़ाना है बाल्टी भी फूल ना प्लास्टिक में ले लेना देखते हैं और लोग क्या क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पापा ये बिल्कुल रेडी है अमन भी रेडी है सब कोई रेडी है और मैं भी रेडी हूँ अब फिर हम लोग चलते हैं नगर मंदिर भगवान जी का दर्शन करने माता नगर भगवती का आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे और फिर चलिए जल्दी हम लोग घर भी बंद कर लेते हैं खिड़की वगैरह बंद कर लेते हैं। देखिए वो भी खिड़की है वो भी खिड़की बंद कर लेते हैं क्योंकि कोई गारंटी नहीं पानी आने का मौसम बनाए रखा है। देखिए मैं यहाँ पानी भर रही हूँ क्योंकि पानी का बहुत ज़रूरत पड़ता है कुछ खाइए तो फिर बाहर का पानी पीने का मन नहीं करता है इसलिए घर से ही अपना पानी हम लोग ले जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो कहीं गलती से ही भूल गए तो अलग बात है लेकिन हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं घर से ही अपना पानी ले जाए। और फिर चलिए दिखाते हैं हमारे साथ कौन कौन जा रहा है कि हम लोग ठेकुआ सेव संतरा वगैरह ले जा रहे हैं रास्ता पर खाने के लिए क्योंकि उधर मिलेगा पता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली मिलता है इसीलिए इसको भी ले जा रहे हैं और पानी भी ले जा रहे हैं दो बोतल। देखिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं हम लोग जा रहे हैं तो ये लोग अभी जाने का मन है चलिए अब हम लोग चलते हैं। और फिर मम्मी तुम गेट बंद कर रही हो चाबी ये रहा लो दोनों गेट बंद कर दीजिए चलिए फिर हम नीचे उतरते हैं मम्मी आ रही है गेट बंद करके। ये गाना कौन बजा रहा है देखिए ये लोग भी जा रहे हैं नाइंसी और शिवांश हेलो बोलो हेलो बोलो हेलो बोलो शिवांश इतना तुमको पाउडर कौन लगा दिया है हाँ देखिए हम लोग जा रहे हैं ये रहा गाड़ी जा रहा है और आंटी भी जा रही है इनकी इसकी मम्मी हम लोग सब लोग जा रहे हैं। देखिए फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और पापा चला रहे हैं गाड़ी जल्दी जल्दी हम लोग को जाना भी है फिर हम लोग चले गए पेट्रोल पंप पेट्रोल भी लेना है गाड़ी में तो पेट्रोल पंप में रुका हुआ गाड़ी पेट्रोल लेने के लिए। देखिए यहाँ जंगल है पूरा और हम लोग निकल गए हैं पूरा ही पूरा जंगल है यहाँ पे और ढेर सारा इधर फोर्स भी लगा हुआ है और इधर 27 नंबर पुल है ना इधर 27 नंबर पुल जाने का रास्ता है अभी हम लोग पूरा काफी घना जंगल है। देखिए सब पीछे में कैसे सब कोई बैठे हुए हैं ये देखिए आंटी ये शिवांश ये नाइंसी लकड़ा ये मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं हम लोग नगर भगवती नगर माता का दर्शन करने जा रहे हैं। और अचानक कैसे प्लान बन गया उनका असीम कृपा है अचानक कैसे हम लोग का प्लान बन गया माता का बुलावा है जा रहे हैं उठे हैं और बोला जा रहा है कि चलो तैयार हो जल्दी से तैयार हो जाओ हम लोग को नगर जाना है तो जल्दी से उठ करके बस रेडी होकर के आ गए। और नाश्ता पानी कहाँ करना हम लोग को होटल में हम लोग नाश्ता पानी करेंगे मंदिर में भंडारा चलेगा उसी में करेंगे। और चलिए आप लोग को दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। देखिए ये पुल ऊपर से ट्रेन पार होता है नीचे से पार हो जाएगा बट वो पुल हम लोग आज नहीं जाने वाले वो पुल नंबर 33 था वो काफी बड़ा पुल था आज हम लोग सिर्फ नगर भगवती जाने वाले हैं उसके बाद देखिए क्या प्लान बनता है। देखिए यहाँ का सीन कितना सुंदर लग रहा है हम लोग नीचे घाटी उतर चुके हैं
हाँ साहब रखे हैं, ऊपर से दिखा नहीं पाए। देखिए यहाँ रेलवे फाटक है और देखिए हमारा किस्मत कैसा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम चंदवा वाला फाटक बंद ही रहता है। किस्मत देखिए अब क्या होता है, खुला रहता है या बंद रहता है। अगर बंद हो गया फाटक तो आधा घंटा से इधर कभी रोक खुलता नहीं है। अगर खुल गया तो बहुत अच्छी बात है, किस्मत देखिए। चलिए देखते हैं अपना किस्मत आजमाते हैं कैसा है। बस पहुँच गए, फिंगर क्रॉस कर लिए ताकि फाटक खुला हुआ मिल गया, यानी किस्मत हमारा अच्छा। बहुत अच्छा है। देखिए हम लोग जल्दी पार करो, देखो यार एकदम किस्मत किस्मत देखिए भाई साहब। अरे हो जाएगा अमन, हो जाएगा। यस यस देखिए जब बंद ही कर रहा था, ये वाह बंद हो रहा था। देखिए हम लोग लेकिन किस्मत अच्छा है और वीडियो क्रॉस जो किए थे, देखिए हम लोग का किस्मत बहुत अच्छा है। आप लोगों के साथ जब हम लोग जुड़े हैं तो किस्मत बहुत अच्छा है। देखिए हम लोग का आने के बाद फटाक बंद हो गया, आप लोगों के साथ है इसीलिए हमारा किस्मत बहुत अच्छा है। अब चलिए हम लोग नगर भगवती का अच्छे से दर्शन भी हो जाए तब और मजा आ जाएगा। देखिए हम लोग पहुँच गए नगर भगवती का गेट, ये रहा गेट। हम लोग इन कर रहे हैं, यहाँ से करीबन 1 या 1.5 किलोमीटर आसपास है। देखिए हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ का स्ट्रीट लाइट वगैरह इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा स्ट्रीट लाइट है। रात में बहुत इतना उजाला कर देता है लाइटिंग। और देखिए पीछे पूरा पहाड़, कौन सा पहाड़ है ये, चंदवा पहाड़ पता नहीं कौन सा पहाड़ है, नहीं पता। पहुंच चुके हम लोग नगर भगवान, नगर भगवती। माता जी का, माता सती का अंगूठा गिरा था। तुम बताओ, बताइए। यहाँ माता सती जी का अंगूठा गिरा था, इसीलिए ये शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, नगर भगवती उग्रतारा माता के नाम से। देखिए पहुंच गए हम लोग उग्रतारा। देखिए पहुंच गए नगर भगवती हम लोग। और देखिए हम लोग का टाइम कितना हो गया है, 12 बजे हम लोग पहुंचे हैं मंदिर, 12:16 में। बताइए इस टाइम में कोई मंदिर आता है क्या? फिर भी देखते हैं दर्शन हो पाता है कि नहीं, फिर किस्मत का खेल बताते हैं। किस्मत में है तो दर्शन होगा, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं। होगा कैसे नहीं, जरूर होगा दर्शन, और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। देखिए हम लोग नगर भगवती पहुंच चुके हैं, ये रहा उनका मेन गेट। और फिर चलिए हम लोग प्रसादी उसादी जल्दी से लेते हैं और फिर चलते हैं हम लोग दर्शन करने को। देखिए बहुत कम भीड़ तो है ही नहीं, बहुत कम भीड़ है, मतलब मुश्किल से 10-20 लोग होंगे। और हम लोग आए हुए हैं और हमारे आगे एक और गाड़ी था, वो आए हुए हैं, बस इतना ही भीड़ है। बाकी बात देखिए पूरा सन्नाटा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ रहता है। हम लोग ऐसे दिन में आते हैं कि भीड़ बहुत कम रहे और अच्छे से माता रानी का दर्शन हो जाए। आज कोशिश रहेगा कि आप लोगों को भी दर्शन करा दें माता रानी का, और आप लोग भी आशीर्वाद ले लें, ये शक्तिपीठ है। और फिर चलिए हम लोग प्रसाद लेते हैं जल्दी से, उसके बाद दर्शन कराते हैं। देखिए यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं हम, यहाँ पे गड़ी चढ़ता है, और गड़ी और क्या चढ़ता है मम्मी, गड़ी और सिंदूर, सिंदूर लो। यहाँ पे हो गया है प्रसाद कंप्लीट। अब मिश्री नहीं ली हो, एक मिश्री है, और मिश्री और घर से जो फूल लेके आए थे वो भी है इसमें। ये किसका है, मेरा है, ये मम्मी चढ़ाएगी। चलिए प्रसाद ले लिए, अब चलते हैं मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं हम लोग माता का दर्शन करने। यहाँ ढेर सारा घंटी है, वो घंटी सबको बजाते बजाते चलते हैं अंदर। कुत्ता भी आया हुआ है दर्शन करने को माता रानी का, ये सबसे बड़ा घंटा। चलिए अंदर चलिए। ये क्यों जा रहा है भाई? आ गए मंदिर, ये रहा मेन गेट, बहुत ऊंचा है ये।
देखिए हम लोग का दर्शन हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए शक्तिपीठ का। चलिए अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे हवन वगैरह होता है, अब चलिए चलते हैं। लेकिन देखिए 12:30 हो गया दर्शन करते करते, 12 बजे तो पहुँचे थे, 12:30 हो गया दर्शन करते, अब चलिए हम लोग चलते हैं। जय माना कर देखिए हम लोग आज सत्तू पीने आए, कितना गिलास बनवा रहा है, इधर आ जाओ, इधर इधर क्या क्या डालिएगा, प्याज मिर्चा और टमाटर, नींबू, नींबू। कैसा लगा माँ सत्तू? अच्छा पूरा गाढ़ा सत्तू है ना, काफी टेस्टी है। यहाँ पे कुछ कुछ खरीदारी के लिए हम लगे हैं। क्या ले रही मम्मी? देखो क्या लेना है, कुछ लेना है? नहीं हमको नहीं लेना है कुछ, क्या बहुत सारा खरीदारी वगैरह के लिए दुकान दुकान है, प्रसाद के लिए खरीदारी के लिए। माँ इधर आइए ना, जितना ही माला वाला है जितना कुछ सब कुछ आप ले सकते हैं। महादेव जी को देखो, अरे ये अच्छा लग रहा है, एक दो को कम लाइए, 12 लाएगा। देखिए यहाँ पे नाश्ता आ गया है, हम लोग जा रहे हैं सब लोग नाश्ता करने। हाँ दीजिए ना, क्या चीज कम करना है? एक प्लेट लाइए ना, एक प्लेट लाइए, 12 ले जाओ, बड़ा खाएंगे, बड़ा खाए, इसको कम कर दीजिए भैया। हम लोग अब दर्शन हो गया, हम लोग जा रहे हैं जय नगर भगवती, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पे, या दर्शन वर्शन, अब बैठते जल्दी से। देखिए अभी दर्शन करने के बाद फाटक यहाँ पे हम लोग को बंद मिला है, आने समय तो फाटक खुला मिला, चलिए जाने समय फाटक बंद मिल गया। एक बार अभी लगता फाटक बंद हुआ है, माँ क्या कहती हूँ फाटक तो बंद हो गया, कोई बात नहीं, ट्रेन आते जाते रहती है, ट्रेन के लिए तो देना पड़ेगा। आंटी क्या बोलना चाहते हैं, फाटक बंद हो गया, हम इंतजार करेंगे, क्या बोलना चाहते हैं? और आप कहाँ जा रहे हैं? और देखिए हमारे पापा जी कहाँ जा रहे हैं, देखिए फाटक पार करके वो चले, उस पार जा रहे हैं, दिख रहा है येलो 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 कुर्ता पहने हुए है, नहीं दिख रहे हैं, अब दिखेंगे, अब दिखेंगे, मुड़ेंगे तो दिखेंगे। अमन किधर चले जानते हैं, कहीं लिखने में डर लगता है। देखिए वहाँ पे चले गए हैं, अब वो फाटक के बाद मिलेंगे हम लोग से। क्या हुआ शिवांश, क्या हुआ शिवांश, कहाँ गया था बाबू, बोलो। ओ मंदिर गया था, और तुम कहाँ गई थी नाइंसी, बताओ जल्दी नाइन से। मंदिर मंदिर गया था सब कोई। बहुत देर इंतजार करने के बाद दो दो मालगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, एक मालगाड़ी का स्पीड बहुत ज़्यादा है और एक मालगाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ये कम से कम 10 मिनट लगा देगा क्रॉस करते करते, और काफ़ी टाइम लगा देगा हम लोगों को। देखिए अब कितना देर लगता है दोनों मालगाड़ी क्रॉस करने में, एक तो बहुत स्पीड में है, एक बहुत धीरे धीरे जा रहा है, अभी जस्ट स्टेशन से खुला ही है। देखिए फाटक खुल चुका है और सब गाड़ी वाला लगा दिया है लाइन, इधर भी गाड़ी है, आगे भी गाड़ी है, फाटक खुल चुका है। देखिए हम लोग घर आ चुके हैं, और देखिए प्यारा आ गया, प्यारा प्यारा हम लोग कहाँ गए थे, ए प्यारा देखिए यहाँ बादाम है, बादाम खा रहा है प्यारा, क्या खा रहा है प्यारा, क्या खा रहे हो बताओ जल्दी, क्या खा रहे हो, छील दे दो, ए गिर गया दो, गिर गया नीचे पैर के पास, देखो ये रहा
क्या खा रहा है प्यारा? ए बच्चा, ए किसके किसके पास फूल है प्यारा? हर रोज कुत्ते को रोटी खिलाना है। ये लो ये लो, छीलना ही मेरे लिए बहुत। लीजिए आपका फूल। तो फाइनली अभी हम लोग घर आ चुके हैं और बहुत अच्छा सा दर्शन हो गया माता रानी का, और आप लोगों को भी दर्शन कराए माता रानी का। आज भीड़ बिल्कुल नहीं था और सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और फिर मेरे ब्लॉग देखते रहिए। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। आगे भी इसी तरह से प्यार बनाए रखें, और फिर मैं हमेशा डेली ब्लॉग डालते रहूँगी, आप लोगों को बताते रहूँगी हर एक चीज़ जो भी मेरे लाइफ में हो रहा, अच्छा हो रहा है या फिर बुरा हो रहा, सारा कुछ बताते रहूँगी। और फिर चलिए फिर अब देखिए कल क्या कल का दिन अब कैसा रहता है। आज का दिन तो काफ़ी अच्छा रहा, माता रानी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। हम आप लोगों के लिए भी मनोकामना मांगे कि आप लोग भी स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, स्वस्थ जैसे भी रहे, बहुत अच्छे अपने अपने घर पे रहे अपने परिवार के साथ। और काफ़ी अच्छा लगा। अभी देखिए दो बजे हम लोग रिटर्न आए हैं, 2 बज चुका है और काफ़ी शांत शायद माहौल है। और चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।